बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए लोकेंद्र सिंह ने की प्रेस वार्ता। स्थानीय होटल में लोकेंद्र सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप पहले तो सिंधिया की आलोचना करते रहे थे और उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, पर अचानक सिंधिया प्रेम कैसे उमड़ा, इस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि मैंने जब दौरा किया तो मुझे हकीकत मालूम पड़ी, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। निश्चित रूप से मुझे भी उस प्रकार की जानकारी नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने क्षेत्रों का भ्रमण किया, ग्रामों के दौरे किए, तो एहसास हुआ कि लगातार ये विकास यहाँ पर करते आ रहे हैं, चाहे वो डैम बनाए हों, चाहे वो ट्रेनों के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध कराए हों, चाहे बिजली व्यवस्था कराई हो, चाहे पानी के लिए कराई हो, चाहे अगर आप देखें तो ग्वालियर से जो देवास का हाईवे बनाया उसका निर्माण कराया हो। जब जाने के पश्चात ये पता पड़ा और जब तक मैं नहीं घूमा था निश्चित रूप से मुझे भी उस चीज का एहसास नहीं था, ज्ञान नहीं था। बात है हेलो, ये निराधार बातें हैं और तथ्यहीन बातें हैं, इन चीजों का कोई सामंजस्य नहीं है, न सहयोग है। हम उनकी विचारधारा से, उनके विकास के सौजन्य से और इस प्रकार की उनकी कार्यशैली इससे प्रभावित होकर के मैंने उनका साथ दिया है और ये सब बाकी की बातें तो निराधार है। जब मैं यहाँ घूमा तो मैंने देखा कि मैं क्या यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए तो नहीं आया। और जब जो व्यक्ति कई परिवार से यहाँ पर लगा हुआ है विकास के लिए, विकास के नाम पर और विकास की सेवाएं आप लोगों के बीच दे रहा है, तो मेरा तो उद्देश्य वही था। यहाँ पार्टी की बात नहीं थी, यहाँ क्षेत्र की बात थी भाई। मैं भी उसी क्षेत्र आगे पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी में अकेले आए, अपने पूरे दलबल के साथ आए हैं, कितने लोग आपके साथ लगभग लगभग क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग पार्टी के समर्थन में आए हैं। और आज के बाद हम निरंतर देखेंगे कि हर दिन सुबह हुए शाम हो लोग बढ़ते जाएंगे, कारवा बढ़ते जाएंगे कांग्रेस पार्टी के नाम। आपको क्या लगता है कांग्रेस में कितना इजाफा हुआ आपके आने से? निश्चित रूप से मैंने बताया ना, 1/11 और इस बार महाराज साहब यहाँ से सर्वाधिक मतों से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि भारत देश में विजय गति जो प्राप्त हुई सबसे बड़ी सीट यहाँ से प्राप्त होगी महाराज साहब। सर आपने कांग्रेस का जिस तरह सर्वे करके इसमें शामिल हुए, क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी रुझान लोगों को दिखा था आपने? बिल्कुल नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है, 15 वर्षों में उन्होंने जनता को परेशान करके रख दिया है। और निश्चित रूप से जनता चाहती है कि महाराज साहब चुन करके आए और रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे दिल्ली के।